वैद्य ने कहा कि संजीवनी बुट्टी लाना है। संजीवनी बुट्टी लाने के लिए हनुमान जी को कहा गया कि आप संजीवनी बुट्टी लाओ। तो हनुमान जी ने कहा संजीवनी बुट्टी है कहाँ? संजीवनी बुट्टी द्रोण पर्वत पर है। वो द्रोण पर्वत है कहाँ? द्रोण पर्वत के बारे में कहा जाता है कि यह सिद्धाश्रम है, आज का सिद्धाश्रम जहाँ है। और गुरु ने आपके पास सिद्धाश्रम के बाद में वर्णन किया है कि सिद्धाश्रम में लगने रहने वालों के लिए उनको बुढ़ापा नहीं आता, उनको किसी प्रकार की रोग आदि सताते नहीं, क्योंकि संजीवनी के उन वृक्षों की हवा उनके ऊपर जाती है और वो कभी बूढ़े होते नहीं। ये संजीवनी वृक्ष और सिद्धाश्रम में वो द्रोण पर्वत रहने कारण, संजीवनी की बुटियाँ वहाँ रहने के कारण वहाँ हैं। तो सुषेण वैद्य ने कहा कि ये द्रोण पर्वत सिद्धाश्रम में है, जिसे पहले इंद्रप्रस्थ के नाम से भी जाना जाता था और बाद में इसका नाम दूसरी तरफ हस्तिनापुर को भी इंद्रप्रस्थ कहा गया है, लेकिन ये इंद्र सभा के नाम से जाने जाने वाला सिद्धाश्रम एक श्रेष्ठ तत्व को रहा। और हनुमान जी ने एक क्षण में, क्योंकि वे सभी लोगों से वर प्राप्त थे और उन्होंने अपने शरीर को सूक्ष्म और हल्का बना दिया और वे आकाश में उड़कर चले गए। आकाश में उड़ते चले गए और जिनको पूछते पूछते द्रोण पर्वत पर गए। द्रोण पर्वत पर जाने से पहले उन्हें एक बात हुई, काल ने रावण को पता चला कि लक्ष्मण को बचाने के लिए हनुमान जी आकाश में उड़कर जा रहे हैं द्रोण पर्वत संजीवनी लाने के लिए। तो रावण ने कालनेमी नामक राक्षस को भेजा और कहा कि तू कुछ भी कर, छल करके हनुमान जी को संजीवनी पर्वत नहीं लाने वैसा कर, कुछ ना कुछ भी कर। तो कालनेमी गया और कालनेमी जाकर जब जा रहा था तो हनुमान जी ऊपर से उड़के जा रहे थे, तो कालनेमी ने अपनी माया जाल से एक ऋषि का वेश धारण करके एक आश्रम, सुंदर सा आश्रम निर्माण करते हुए हनुमान जी को नीचे उतारा। हनुमान जी ने कहा कि इस आदमी को मालूम होगा। उसने कहा, कालनेमी ने कहा, आप कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा कि मैं संजीवनी बुटी लाने जा रहा हूँ। अरे संजीवनी बुटी तो यहीं है, मैं आपको बता सकता हूँ। और उन्होंने कहा कि आप संजीवनी बुटी लाने से पहले एक काम करो, आप स्नान करके यहाँ आ जाओ। उसका ये था कि हनुमान जी को हम यहीं ख़त्म कर देंगे। लेकिन बात यह हुई कि हनुमान जी जब आकाश से उड़ के जा रहे थे, वहाँ एक सरोवर था और सरोवर में एक मगरमच्छ मगरिणी थी, मगर स्त्री मगर थी, और हनुमान जी के श्वेत बिंदु पड़ने के कारण वो तत्काल गर्भिणी हो गई। और गर्भिणी होने के बाद उनसे एक बच्चा पैदा हुआ, वो बच्चे का नाम था मकरध्वज, मगर से पैदा होने के कारण। उस मगरिणी ने जब देखा कि कालनेमी एक दुष्ट राक्षस हनुमान जी के ऊपर प्रहार करते हुए द्रोण पर्वत जाने से रोक रहा है, तो जैसे ही ये सरोवर में स्नान करने के लिए गए, मगर आकर कहने लगी कि हनुमान जी तुम्हें नहीं मालूम, वो जो है वो कालनेमी रावण का भेजा हुआ राक्षस है, ऋषि रूप में वहाँ बैठा है और तुम्हें मारने की कोशिश करता है। उन्होंने मगरिणी को धन्यवाद अर्पण किया। इसे सखा कहते हैं, सखी कहते हैं, प्रेमी कहते हैं, जो अपने हम जिससे प्रेम करते हैं उसकी रक्षा करने की जो कला है, इसे सखा कहा गया है। वो सखी हुई और हनुमान जी को उसने कहा कि आप इससे बचो। हनुमान जी ने कहा, मैं तेरा ऋण कभी न कभी चुकाते हुए रहूँगा, मैं जाता हूँ। और उन्होंने कालनेमी को राक्षस रूप में देख लिया और जब दगा राम का नाम लिया और कालनेमी को अंत करते हुए आगे बढ़े। और वो जैसा ही संजीवनी पर्वत पर पहुँचे, उन्हें देखा कि बहुत सारी चमकती हुई वृक्ष राशियाँ वहाँ हैं, बहुत चमक रही है। लेकिन जैसा ही हनुमान जी गए, उनने कहा कि हे वृक्ष राशियों, मैं श्री राम के कार्य पर आया हूँ और मैं लक्ष्मण जी जो नागास्त्र से बहुत ही प्रभावित होकर वे विष के कारण मृत्युतुल्य जान रहे हैं, वह आपकी संजीवनी, सुषेण वैद्य ने कहा है कि आपकी संजीवनी मूलिकाओं से उनका जन जागरण होगा, वो जाग जाएंगे, वो जीवित हो जाएंगे। तो एक क्षण के लिए सारी संजीवनियों ने अपनी कला खींच ली, अपना चमकना बंद कर दिया। हनुमान जी परेशान हो गए, अरे अब तक ये चमक रहे थे संजीवनी विद्या में, इनसे लेके जाने सका, अब कैसे पहचानूं कि संजीवनी किसे कहते हैं? रामचंद्र जी ने कहा, तुम्हें नमस्कार करता हूँ, मैं राम के भाई भ्राता लक्ष्मण को बचाने के लिए आया हूँ। तो ही संजीवनी जो 64 मूलिकाएं कह जाती हैं और 64 योगिनी के रूप में कहलाई जाती हैं, वो द्रोण पर्वत पर निवास करती हैं, देवताओं और सभी की सहायता करने के लिए, सभी मृत्यु से जीतने के लिए और उनको बुढ़ापा न आने के लिए। तो उन संजीवनी में से उन संजीवनी ने बात करना शुरू करी हनुमान जी।
हनुमान जी को कहा, यही बात है, हम उस लक्ष्मण को संजीवनी मूलिका नहीं देंगे, तुम तुम्हारे लिए कहो एक मिनट में दे देते हैं। अरे हनुमान जी ने कहा तुम लक्ष्मण जी को क्यों नहीं, लक्ष्मण जी से के साथ तुम्हारी क्या दुश्मनी है। उन संजीवनी बूटी ने कहा जब रामचंद्र जी शबरी के आश्रम में गए, शबरी जो एक युग से लेकर दूसरे युग तक जीती रही, मतंग महामुनि के आश्रम से लेकर उसने कम से कम 600 साल अपना जीवन बिताया और रोज फूल लाकर देती थी और रामचंद्र जी के आने का आह्वान करती थी, वहां हमने उसे संजीवनी मतंग महामुनि से संजीवनी बूटी देकर कहा था कि तुझे उस दिन तक जिंदा रहना है जब तक यहाँ राम नहीं आते, और 600 वर्ष जीवित रही। और उस संजीवनी के बारे में उन्होंने एक एक पौधा संजीवनी के साथ का पत्ता से खाद डालकर उन्होंने बेरों के वृक्ष जगाए और संजीवनी की वृक्ष को रोज नमस्कार करती थी। ऐसे बेर जब शबरी अपने मुख से लेकर कि उनको मीठे बेर में राम को दूं, इस तरह सोचते हुए उसने झूठे बेर करते हुए उनको दिया और रामचंद्र जी एक एक बेर खाते गए। एक द्रोण में लक्ष्मण जी को भी दिया, लक्ष्मण को घीन आई और कहा इसके झूठे बेर, ये शबरी है जंगली औरत, इसके साथ झूठे बेर खाना चाहिए। उसने रामचंद्र जी के सामने तो खाने का एक्शन किया और बेर फेंकते गए, मुंह तरीके गए फेंकते गए। तो वहाँ जो संजीवनी की वृक्षा जाती थी उसने कहा कि इन्होंने हमारा अपमान किया है, आज हम उसकी सहायता क्यों करें, हम उसकी सहायता नहीं करते। अब हनुमान जी परेशान हो गए, इस समय मृत्यु के स्थल पर पड़े हुए हैं लक्ष्मण जी और ये संजीवनी हम नहीं देते हैं, ऐसा करें। अरे भाई मैं इस संसार में हर समस्या का समाधान तो होता है, ठीक है उनसे गलती हुई, अब बोलो इस गलती का प्रायश्चित कैसे करें, उनको तो बचाना है, मैं राम कार्य के लिए आया हूँ और मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि मैं ऐसी गलती का प्रायश्चित उनसे करवाऊंगा, बोलो क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि जो झूठे बेर उन्होंने शबरी आश्रम के पास डाले थे आज वो बड़े वृक्ष हो गए हैं, आप शबरी आश्रम को फिर जाओ, उन वृक्षों से पत्ते तोड़ो, उसका रस निकालो और उस रस को यहाँ लाकर डालो, तो तुम हम संजीवनी हम कहेंगे कि हम उनके प्रायश्चित को करेंगे। अब हनुमान जी को लगा कि इतने देर में मैं फिर शबरी आश्रम जाऊँ, वहाँ से लाऊँ, ये सब डालूँ, कैसे हो सकता है। फिर भी लक्ष्मण जी को बचाना था तो वो वायुवेग के साथ वहाँ गए, वहाँ के पत्ते तोड़े, उसका रस निकाला और आकर यहाँ संजीवनी के वृक्षों पर डालते डालते ही वो संजीवनी वृक्ष जागृत हो गए, चैतन्यवान हो गए। तब उन्होंने कहा कि तुम सब लोग इसमें संजीवनी 64 मूलिकाओं में कौन सी संजीवनी है ये मैं नहीं जानता, इसे कौन बताए। तो उन्होंने कहा कि हनुमान जी जिस राम की सेवा आप करते हो, जो यहाँ के परम पुरुष है, जो विष्णु के अवतार है, जो यहाँ आए हैं, क्या आप अकेले ही उनको देखकर उनकी सेवा करना चाहते हैं, हमें भी उनके देखने की इच्छा है, आप ऐसा करो हम इसको पर्वत के साथ उठा के ले जाओ, हम भी उनका दर्शन करें। और हनुमान जी ने कहा जब आपकी ये इच्छा है तो मैं ज़रूर आपको उठा लूँगा, और उन्होंने पर्वत को अपने हाथ से उठाया और वे जाने लगे। जैसा ही जा रहे थे संजीवनी की एक एक बूटी जहाँ गिरती गई, आज की दिव्य जितने ही शक्तिपीठ है, जितने भी ज्योतिर्लिंग है, वहाँ वो संजीवनी गिरी है, वहीं शक्तिपीठ है और वो एक श्रेष्ठ स्थान कहलाए, या ऐसा पुराण इतिहास कहता है, पराशर महामुनि कहते हैं कि जहाँ शक्तिपीठ है। और हनुमान जी ऊपर से जाने लगे तो उनकी इच्छा हुई कि वे गुजरते गुजरते अयोध्या में से जा रहे थे, तो उनने अयोध्या में से जैसे ही जाने लगे कि सूर्य की किरणें के कारण हनुमान जी का विशालकाय था शरीर, तो एकदम अयोध्या पर छाया छा गई, एक बादल के आए वैसा देखा, तो सबने ऊपर देखा, शत्रुघ्न ने देखा, भरत ने देखा, तो क्या है कि कोई एक विशालकाय शरीर काया जा रही है जिसके हाथ में एक पर्वत है, अरे ये कोई राक्षस तो नहीं, अयोध्या के ऊपर कोई प्रयोग करने तो नहीं आया। उन्होंने देखा कि शत्रुघ्न से कहा कि उसे देखो, उसे रोको, वो कौन है। हनुमान जी वहाँ नीचे राम राम का शब्द सुन रहा था, तो राम का शब्द जहाँ हो राम, हनुमान जी उतर ही जाते हैं। उनने देखा कि ये तो क्या है, तो उन्होंने पूछा कि अयोध्या है, तो उन्होंने कहा एक बार मेरे राम की अयोध्या तो देख ले एक क्षण के लिए। उन्होंने पर्वत को हवा में उछाल दिया और पर्वत को वैसा ही कर अपना सूक्ष्म लेकर अयोध्या में उतर गए। अयोध्या में जैसे ही उतरे सबने कहा अरे वानर तुम कौन है, यहाँ किस लिए आए हो, क्या तुम्हारी इच्छा है, यहाँ क्या कर रहे हो। वो मौन रहे, घूमते रहे। पहले वे उस राजघराने में जहाँ गए जहाँ राम की माता कौशल्या रहती थी, कौशल्या जी के पास गए तो उन्होंने देखा कि भरत और शत्रुघ्न की पत्नी
माता की सेवा में गए थे, माता की सेवा कर रहे हैं। तो उनकी जिज्ञासा रही, माता कौशल्या को देखा, नमस्कार किया, आगे बढ़े सुमित्रा के पास, कैकेयी के पास, सुमित्रा के पास गए तो शत्रुघ्न की पत्नी उनकी सेवा कर रही थी, लेकिन कैकेयी अकेली ही बैठी थी। तो उन्होंने देखा और द्वारपाल को पूछा, कैकेयी की सेवा करने के लिए तो लक्ष्मण जी की पत्नी है, वो सेवा कर सकती हैं, वो क्यों नहीं, सीता जी तो रामचंद्र के साथ है, फिर लक्ष्मण जी की पत्नी सुमित्रा जो है वो कैकेयी की सेवा नहीं, क्यों नहीं कर रही है।